आप स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जो मैं लेक्चर्स की वीडियोस जो है अपलोड जो अपने चैनल पे करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल मेरे के साथ जुड़ेंगे, उसमें ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे सीख पाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये मैंने स्किप कर दिया। आप शायद नहीं, कुछ हो सकता है आप में से जानते भी होंगे और कुछ हो सकता है नहीं भी जानते होंगे। और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सैम होते हैं, एज इट इज होते हैं, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नया है, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस होंगी, एक तो वो उन तक इन टाइम पहुंचती रहेंगी, और जो मैं ऑलरेडी जिन पर लेक्चर दे चुका हूं वो उसको भी वहां पर चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान जो है वो टेंसेस में हमने पढ़ ली है, हम जानते हैं इसकी पहचान क्या है। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, वो काम कर चुका होगा, वो खा चुका होगा, वो पी चुका होगा, उसने होमवर्क वो होमवर्क जो है वो कर चुका होगा। ये इसमें प्रेडिक्शंस होती है कि फ्यूचर में जो आने वाला वक्त है, कल है, परसों है, साल बाद, 2 साल, 10 साल या 100 साल बाद क्या होगा या क्या हो चुका होगा, वो हम एज ए जो है एक्सपेक्ट करते हुए एक प्रेडिक्शन करते हैं। तो उसमें यही है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसके सेंटेंसेस जो उर्दू में हम पढ़ते हैं कि वो खाना खा चुका होगा, तो ये चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी की तरह के जो सेंटेंसेस उर्दू में वो होते हैं इसमें। और इसका जो रूल है, स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब इसका पैसिव वाइज जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है, वही बात अब बार बार रिपीट मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हमें फोकस यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये काम जो है उसके जरिए किया गया या किया जा चुका होगा या किया गया है या किया गया था, किया जा चुका था, तो किया उसके जरिए, उसके द्वारा किया जा, उसके द्वारा किया गया काम, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पे फोकस रहता है। जो हमारा एक्टिव होता है सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहता है और सब्जेक्ट से ही हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, मगर यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें फोकस ऑब्जेक्ट पे करना होता है। तो अब जो नेगेटिव सेंटेंस इसका है, नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल है, विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर रहता है। तो पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर फोकस, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद भाई एंड देन लास्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लास्ट पे पैसिव वॉइस में रखते हैं, ये पिछले टेंसेस में हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंसेस में भी और पास्ट टेंस में भी, अब हमें इसको रिपीट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव सेंटेंस है वो आपके जहन में, आपके माइंड में उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं पैसिव वॉइस यहाँ पर बना आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ कि विल शैल हमें पहले लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बाय आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लास्ट पर आएगा। अब हम कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लेते हैं कि रामेश विल हैव रिटन ए लेटर, रामेश खत लिख चुका होगा, रामेश विल हैव रिटन ए लेटर, रामेश खत लिख चुका होगा। तो इसी को हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमारा ये कौन सा है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है ये है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखना, ए लेटर हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको टारगेट हमने करना है क्योंकि फोकस इसी पे रहेगा, ए लेटर, और आप स्ट्रक्चर को देखते रहें, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देखते रहें, ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले है ए लेटर, फिर उसके बाद हमारा विल और शैल में से विल, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद हमारा बीन आएगा यहाँ पर, आप जो है स्ट्रक्चर को भी देखते रहें और जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी देखते रहें, फिर उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न आएगी, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिख लिया, उसके बाद बाय आएगा और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास रमेश है, तो रमेश ही यहाँ पर
आएगा। आप इसको देख सकते हैं, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय रामेश, खत रामेश के द्वारा लिखा जा चुका होगा। तो एक एक सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं यहां पर, रामेश विल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, रमेश विल नॉट हैव एक्सेप्टेड दी ऑफर। ऑफर हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने पहले लेना है दी ऑफर, फिर उसके बाद देखें इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का, दी ऑफर विल, फिर उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आप देख लें हैव आएगा, फिर उसके बाद आप देख लें बीन आएगा, फिर उसके बाद देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये वर्ब जो हमारे पास एक्सेप्ट है तो एक्सेप्टेड, सॉरी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, फिर बाय आया, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो है रमेश, तो रमेश हमारे यहां पर एंड पर आएगा। द ऑफर विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय रमेश, रमेश ऑफर जो है रमेश के, ऑफर को रमेश के जरिए एक्सेप्ट मतलब कबूल नहीं किया जा चुका होगा। वेरी सिंपल, कुछ में इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर हमने इस वक्त तक जो है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं, जितने भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े प्रेजेंट में पास्ट में, इसमें कोई भी थोड़ी माइनर सी चेंज आती है वो आती है इस रूल्स के तहत, और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है ये तो हम जानते हैं। अब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को ही चेंज करते हुए हम टेंसेस को भी आगे चेंज करते रहे। तो आई होप कि इस वक्त तक जो जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, वो आपने जो है वो समझ लिए हैं और अच्छी तरह से आपके माइंड में उनकी पिक्चर जो है, पिक्चर्स की लेयर बन चुकी है। अब आपको जो ही कहीं पर भी आप किसी भी जगह न्यूज़पेपर में या स्कूल में या एग्जाम्स में, जहां पर भी आपको ग्रामर के रिलेटेड, एक्टिव पैसिव और टेंसेस के रिलेटेड कोई भी जॉब क्वेश्चन आएगा, आई होप कि आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।